नाना जी के सामने ये सब कैसे बताऊंगा। गुड मॉर्निंग नाना जी। आज सुबह सुबह ही आ गए लड्डू सिंह जी। नहीं 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 नहीं, वो तो जॉगिंग कर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था तो आपका हाल जानने के लिए आ गया। गुड मॉर्निंग नानी। अभी तक तो गुड़ थी लेकिन अब नहीं रहेगी, जरूर आप शिवा को लेने आए होंगे। हेलो लड्डू सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ नानी जी। कमिश्नर सर ने भी ऑर्डर दिया है कि पहले सारी पेंडिंग फाइल साइन करूं। दो दिन से तो मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो शिवा को कहाँ ले जाऊंगा? तो फिर कैसे आना हुआ? शिवा, खबर मिली है कि टेररिस्ट ने वेदा सिटी में डेरा जमा के रखा है। शिवा को बोलने आया था कि घर से बाहर मत निकलना। घूमता है तो आज तो मजा चखाता हो, खुद तो कुछ काम करते नहीं, आ जाते हैं शिवा को लेने। अच्छा मैं चलता हूँ। लड्डू सिंह जी, आपके लिए ये स्पेशल दही बड़े, जल्दी से खा लीजिए। हैं? शहर पर मुसीबत है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भगाना था तो सीधा बोल देते। वेदा शहर में टेररिस्ट, मुझे नजर रखनी चाहिए। लड्डू सिंह तो बिजी है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वेदा सिटी में टेररिस्ट है, कुछ तो करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर टेररिस्ट का पता लगाना पड़ेगा। हम में से किसी को भी कोई सस्पिशियस आदमी मिले तो तुरंत बताना होगा। ओके शिवा। आप कौन है? मैं आज ही आया हूँ, कल परसों से ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। ठीक है। जैसे ही कोई सस्पिशियस आदमी दिखेगा मैं शिवा को फोन कर दूंगा। वो लड़की यही देख रही है, शायद उसे शक हो गया है। शिवा, मुझे तो वो चारों अजीब से लग रहे हैं। देखो तो वो इस शहर में नए लग रहे हैं। हाँ रेवा, यू आर राइट, लेट्स फॉलो देम। बॉस बॉस, उन बच्चों को देखो, हमारे पीछे लगे हुए हैं। वो सच में हमारा पीछा कर रहे हैं कि ऐसे ही आ रहे हैं? तेरी। इस तरह की ओवर एक्टिंग करोगे तो उन्हें शक हो जाएगा। देखना यूडी, मैनी क्वीन के शूलेस खुल गए थे, अब ठीक है? बॉस, पक्का है ये बच्चे हमारे पीछे ही पड़े हैं। चल निकलते हैं। इनका पीछा करते हैं, मैं इधर से जाता हूँ, तुम लोग उस साइड से आओ। ओए पिद्दो, तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अंकल, हम लोग तो यहीं रहते हैं। आप बताओ, आप लोग कहाँ से आए हो? पहले कभी नहीं देखा आप लोगों को। हम लोग कहीं से भी आए हो, तुमसे मतलब, कोई भी शहर में आके रह सकता है। रास्ता खाली करो बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल, शिवा, शिवा नाम है मेरा। Oh.
ये क्या? शिवा तो पहले ही यहाँ सबकी क्लास ले रहा है। पहले मामला शांत होने देता हूँ। ये मुंडा तो बड़ा तेज तर्रार है। इस वक्त मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। आदि, यूदी, रेवा, इन पर नजर रखना। हवलदार सर, आप? मैं नया हवलदार हूँ, आज ही वेदा सिटी में ज्वाइन किया है। हवलदार जी, ये सब टेररिस्ट हैं, इनको पुलिस स्टेशन ले जाइए और इंस्पेक्टर लड्डू सिंह के हवाले कर दीजिए। हम इनके लीडर के पीछे जाते हैं। हाँ हाँ बच्चों, अपना ख्याल रखना। ये कौन है और इन्हें क्या तुमने पकड़ा है? यस सर, मैंने पकड़ा है। वेरी गुड हवलदार, हम खुश हुए। कीप इट अप। हेडक्वार्टर वेदा सिटी में हवलदार कौन है? सर, हवलदार पेड़ाराम। पुलिस डिपार्टमेंट को पेड़ाराम जैसे जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर की जरूरत है। हवलदार पेड़ाराम को इंस्पेक्टर प्रमोट कर दो। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हेलो इंस्पेक्टर लड्डू सिंह स्पीकिंग। नहीं, क्या? हाँ, सच बोल रहे हैं? अच्छा, एक ग्लास पानी पिलाने के लिए प्रमोशन? क्या हुआ सर, आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ी है? पेड़ाराम, हेडक्वार्टर से फोन आया था, उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। ये फीते उतार दो, ये लो, ये स्टार लगा लो, अब तुम इंस्पेक्टर पेड़ाराम हो। जाओ, चाय बना कर लाओ, जाओ। लड्डू सिंह जी, अब मैं हवलदार नहीं रहा, मैं भी इंस्पेक्टर हूँ। चाय पीनी है तो खुद जाकर बना लो। मैं फाइल साइन करते रह गया और ये पेड़ाराम चाय पानी पिलाते हुए मेरे बराबर पहुंच गया। क्या करोगे अंकल? शिवा, तुम ठीक तो हो? अरे वाह, मुझे छोड़ो, देखो वो गुंडा कहाँ पर गया। यहाँ पर तो कोई भी नहीं। ओह नो, पता नहीं वो कहाँ भाग गया।